अब जो है बारिश पड़ी, जमीन खा गई भपका, सब्जी हो गई खत्म। किसने कह दिया महंगाई बढ़ी? लोगों की परचेजिंग पावर भी तो बढ़ी है, पैसा भी तो उसी हिसाब से बढ़ा है। क्या कारण लग रहा है जो इतना सस्ता हो गया टमाटर? पता नहीं है, जो जनता का राज भाजपा का। लोगों ने स्टॉक पहले कर रखा है इसलिए माल निकाल नहीं रहे। अब जब महंगाई हो रहा है तो माल निकाल रहे, वो लोग मंडी में आ रहे। ये सब्जियाँ जो होती हैं पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा होती हैं, पहाड़ों में पलायन है, जानवर हैं, सुअर हैं, तो उत्पादन कम हो रहा है, तो अपने आप ही महंगा हो गया। कहाँ 20 रुपये किलो टमाटर थे और कहाँ देखो 60 रुपये किलो, वही मंडी में बाहर 120 रुपये किलो टमाटर, 80 रुपये किलो टमाटर। मैं 1200 रुपये का टमाटर लाया हूँ, ये खरीद के इसमें आधा सड़ा निकल लिया है, वो घाक बिल्कुल छाट का मांग रहा है। खरीदने वाले 100 लोग वहाँ पे हैं, 100 लोग दो पे कम माल आया है, इसलिए महंगा है टमाटर। नमस्कार, आप देख रहे हैं News 31 और मैं हूँ आपके साथ पूनम। जहाँ एक ओर लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से आम जनता परेशान है, वहीं दूसरी ओर महंगाई भी कहर बरपा रही है। इसी सिलसिले में आज हम हल्द्वानी की सब्जी मंडी में मौजूद हैं, तो चलिए लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं। सर आपका नाम? माय नेम इज शिवा कश्यप। टमाटर का रेट क्या है? टमाटर रेट मैडम 60 रुपये किलो हो रहा है, और अब पहले कितना था? पहले 15-20 रुपये किलो था। तो महंगाई का क्या कारण है? बाहर जो बाढ़ आ गई, हमने खेतों में टमाटर लगा हुआ था, उसके बाढ़ आ गई, जितने पौधे लगी थी वो एकदम सब बह गई। अब इसमें पहाड़ में टमाटर हो रहा है, पहले 10 ट्रक माल आता था, अब 2 पिकअप आती हैं। खरीदने वाले 100 लोग वहाँ पे हैं, 100 लोग अब 2 पिकअप माल आया है, तो इसलिए महंगा यहाँ टमाटर। अब थोड़े दिन के बाद जब हमारी पौध बड़ी होगी तो टमाटर का फिर सस्ता हो जाएगा। क्या लगता है क्या कारण है ये इतनी महंगी सब्जी जो हो गई है? कुछ बरसात वरसात की वजह से हो जाती है, बरसात लग जाती है थोड़ी महंगी हो जाती है सब्जी, बरसात में हर साल महंगी रहती है, और फिर सब्जी का कोई रेट ही नहीं होता, शाम की कुछ सुबह कुछ, वहाँ मंडी का पता चलता, ज़्यादा आ गई तो मंदी, कम आने लगी महंगी हो गई, और चारों तरफ को सब्जी जाती पहाड़ों को क्या, हर तरफ को क्या, इस वजह से और महंगी हो जाती, क्योंकि हल्द्वानी में सब्जी पहाड़ को यहीं से जाती यह है। अब पहाड़ की बीन आ रही सिर्फ, बाकी माल आ ही नहीं रहा, गाजर आ रही, गोभी आ रही, बाकी सब्जी पहाड़ को जा रही। क्या रेट चल रहा है प्याज? प्याज मैडम 50 रुपये किलो चल रहा है, 40 रुपये किलो चल रहा है। पहले क्या रेट था प्याज का? पहले 40 रुपये किलो और 30 रुपये किलो था, तो मतलब महंगा हो गया है। इस बार महंगा हो, बारिश की वजह से प्याज कम रही है, इसलिए महंगा हो चुका है। ये हम लोग क्या करें, जब वहीं से महंगा है, लोगों ने स्टॉक पहले कर रखा है इसलिए माल निकाल नहीं रहे। अब जब महंगाई हो रहा है तब माल निकाल रहे, वो लोग मंडी में आड़त में महंगा आड़त में आ रहा है, 37-38 रुपये किलो आ रहा है, कोई आ रहा है 42-43 रुपये किलो की प्याज, अलग अलग रेट का अलग अलग क्वालिटी की प्याज आ रही है। किसानों से तो उसी रेट पर लिया जा रहा है और मंडी में नहीं, तो किसानों से क्यों लिया है, किसान के सामने आजकल तो हर मोबाइल से किसान पहले वो कर ले रहा है, फ़ोन से पता कर ले रहा है किस रेट बिक रहा है किस रेट नहीं बिक रहा है, वो तब अपना माल निकाल के ला रहा है आड़त पर। वो तो आजकल मोबाइल का सिस्टम ऐसा चल गया कि सब अपना किसान सबके पास मोबाइल है, किसान पहले ही रेट पता कर ले रहा है कि क्या रेट बिक रहा है क्या रेट नहीं बिक रहा है। इस टाइम पे सबसे ज़्यादा महंगी सब्जी कौन सी है? इस टाइम तो बरसात के समय सब्जी की, बरसात में सब्जी का वो ख़राब हो जाती है, आ नहीं पाता, सब बह जाता है, तो सभी सब्जियाँ महंगी हो रही है इस समय। जो महंगाई बढ़ रही है सब्जियों पर, क्या लगता है बिचौलियों का भी इसमें कोई हाथ है? नहीं तो मैडम क्या कर सकता है, इसमें तो खेती बाड़ी होती है, बारिश हो रही है, यही सब कुछ होता है, बिचौलियों का कुछ काम नहीं है। आम जनता कहती है कि लोग मतलब बीच के जो लोग होते हैं वो रोक लेते हैं ताकि आम जनता जो है वो परेशान हो, फिर एकदम से बेचें तो महंगे रेटों में बेचें। ये मैडम सब्जी है, बिचौलिया कितने दिन रोक लेगा, ज़्यादा ज़्यादा 2-4 दिन, इससे ज़्यादा कहाँ रोक पाएगा। क्या लग रहा है जो महंगाई बढ़ रही है सब्जियों पर क्या कारण है? मैम इसका मेन कारण ये हो रहा है ना, हमारे पहाड़ों में पलायन बहुत ज़्यादा हो गया है, अभी जो बरसाती हमारी जो सब्जियाँ होती हैं तराई में तो होती नहीं है, पानी भर जाता है, ये सब्जियाँ जो होती हैं पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा होती हैं, पहाड़ों में पलायन है, जानवर हैं, सुअर हैं, तो उत्पादन कम हो रहा है, तो अपने आप ही महंगा हो गया, यही रीज़न है मेन, और बाकी कोई रीज़न नहीं। क्या लगता है अंकल सब्जियों के दाम सही चल रहे हैं या महंगे हो गए हैं? ना बहुत सस्ते हो रहे हैं, सस्ते हो रहे हैं बिल्कुल। टमाटर महंगा दिख रहा है? काट भी महंगा है बिल्कुल, अभी बहुत सस्ता लिया है मैंने। कितने रुपये किलो चल रहा है? अरे कुछ नहीं है, 100 रुपये किलो, 80 रुपये किलो। और पहले कितना था? पहले वही 10-20 रुपये, 15 रुपये। क्या कारण लग रहा है जो इतना सस्ता हो गया टमाटर? पता नहीं है, जो जनता का राज भाजपा का। क्या लग रहा है, क्या सब्जी के रेट कैसे कैसे बढ़े हैं, कौन सी सब्जी के रेट है? पानी की बरसात की वजह से सब्जी के रेट होगा महंगे, पानी पड़ने की वजह से। हाँ शिमला मिर्च बिक रही 60 रुपये किलो, भिंडी बिक रही 40 रुपये किलो, तुरई बिक रही 60 रुपये किलो। पहले क्या रेट थे? पहले बिक रही थी 10 रुपये किलो, 20 रुपये किलो, 15 रुपये किलो। अब जो है बारिश पड़ी, जमीन खा गई भपका, सब्जी हो गई खत्म, उसकी वजह से महंगाई बढ़ गई।
आम जनता किसान लोग कह रहे हैं कि हमसे तो वही रेट जो पुराना रेट था उसी पे ही सब्जी ली जा रही है, लेकिन वहाँ महंगी बेची जा रही है मंडियों में और मंडी में सब्जी में आज मंडी में लोगी बिकी 30 रुपए किलो, बाजार में बिक रही 40। किसानों का मजा आ गया इस टाइम, किसानों को आ गए मजे, आम का मद्दा है पके हुए आम का, उसमें घाटा है किसानों को। 300-400 रुपये के रेट का बिक रहा है, बिक रहा 100 रुपये का 5 किलो आम पका हुआ, 4 किलो 5 किलो नई नई सब्जी इतनी महंगी है, फ्रांस बीन महंगी है, फूल गोभी महंगी है, पत्ता गोभी महंगी है, पहाड़ की चीज़ें महंगी है, प्लेन्स की मध्य है। फिर भी कौन कौन सी सब्जी पहाड़ की जो महंगी है? पहाड़ की शिमला मिर्च, फ्रांस बीन, फूल गोभी, ये चीज़ें महंगी हैं। टमाटर पहले के मुकाबले महंगाई बढ़ी नहीं? बहुत ज़्यादा। क्या कारण लगता है? कारण क्या है, अब देखो बारिश है, बारिश की वजह से महंगाई होनी होनी है। कहाँ 20 रुपए किलो टमाटर थे और कहाँ देखो 60 रुपए किलो, वही मंडी में बाहर 120 रुपए किलो टमाटर, 80 रुपए किलो टमाटर, महंगाई तो होनी है, क्या कर सकते हैं। किसानों का कहना है कि वो तो उसी रेट पे दे रहे हैं जो पहले रेटों पे देते थे सब्जी, लेकिन जो मंडी है मंडी वाले ज़्यादा रेटों पे दे रहे हैं, सब्जी वाले ज़्यादा रेटों पे दे रहे हैं। ना ऐसा नहीं है, उनकी मेहनत भी तो है, बेचारे आते हैं जाते हैं, इतना सामान लेकर आना दिक्कत भी तो है। इन लोगों की क्या कर, मैं 1200 रुपये का टमाटर लाया हूँ, ये खरीद के इसमें आधा सड़ा निकल लिया है, वो घाक बिल्कुल छाँट का मांग रहा है, घाक जो छाँट का मांग रहा है, और ये जो हमारा सड़ा हुआ है और ये क्रेट में फेंक रखा है मैंने, 1200 रुपये क्रेट लाया है, पैसे भी पूरे नहीं होंगे, खाली जो है मेहनत फ्री जा रही है, बचेगा 1 रुपया नहीं हमें। इस टाइम जो है ना 1200 रुपये का, ये 200 रुपये क्रेट का टमाटर ला रहा था मैं, 200 का खरीदा, आज 1200 का भी काश देने को तैयार नहीं है हमें टमाटर, और कल को ऐसा ना हो 1500 का टमाटर हो जाए तो हम किस भाव बेचेंगे। दागी गंदा अलग निकल रहा है, इसमें सड़ा हुआ अलग निकल रहा है, क्या भाव बेचें। 50 रुपये किलो में, 60 रुपये किलो में घाक गिरा छाँट के दो, जो पलेजे लगती है नदी किनारे, ये सारा माल बेच हुआ है, अब ये 200 रुपये किलो भी हो सकता है, 200 रुपये किलो टमाटर हो सकता है। क्या लगता है बिचौलिया का भी इसमें कोई रोल हो सकता है? नहीं, हमारा क्या रोल है, हम तो मजदूर आदमी हैं, हमें तो शाम तक 500 रुपये बच जाएँ तो बहुत है महंगी, दिन भर हम 5 बजे उठता हूँ मैं, रात को 9 बजे घर जाता हूँ, 500 रुपये बच जाएँ मेरे लिए दीदी बहुत है, 500 रुपये लिए मेरे लिए काफ़ी है, 500 बच जाएँ, 5 बजे चरपाई छोड़ता हूँ, रात को 9 बजे घर घुसता हूँ, 500 बच जाएँ बहुत है। क्या लगता है सर, महंगाई बढ़ी है पहले से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, महंगाई वंगाई नहीं बढ़ी है, कहाँ महंगाई बढ़ी, किसने कह दिया महंगाई बढ़ी, लोगों की परचेजिंग पावर भी तो बढ़ी है, पैसा भी तो उसी हिसाब से बढ़ा है, जिस हिसाब से पैसा बढ़ा है उस हिसाब से कोई महंगाई नहीं बढ़ी है। टमाटर पहले जो था 15-20 को था, अब 50-60 को, ये तो क्लाइमेटिक चेंज है, बरसात हो रही है, सड़ने लग गया इसलिए बढ़ा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, इसको महंगाई से रिलेट नहीं किया जा सकता। सब्जियों में भारी उछाल, पहले और अब में क्या अंतर देखने को मिल रहा है सब्जियों? नहीं, पहले से तो काफ़ी ज़्यादा मैम, बहुत ज़्यादा अंतर है हर चीज़ में, जैसे कि नहीं सभी कुछ महंगा है, सब्जियों में तो ऐसा कुछ है नहीं। कि क्या लगता है कि क्या कारण है महंगाई जो, बरसात मेन रीज़न है मैम, पहाड़ों से जो सब्जियां आ पा रही है वो तो रोड सारा बंद है। तो ये थी हल्द्वानी की जनता की राय, हमने ग्राहक और विक्रेता दोनों से बात की और महंगाई को लेकर उनकी क्या राय है ये जानने की कोशिश की। ऐसे ही तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए बने रहे न्यूज़ 31 के साथ, कैमरा पर्सन जीतू के साथ मैं पूनम मौर्य, हल्द्वानी।